Hello everybody, I hope each one of you is fine and doing great in your studies. So, आज मैंने एस बी आई प्रो प्रीलिम्स का मेगा मॉक चैलेंज अटेम्प्ट किया था एंड माई मार्क्स एज यू कैन सी आई गॉट 54.25 मार्क्स एंड रैंक इज़ 91 एंड परसेंटाइल इज़ 98.98%. दैट इज़ गुड बट येस आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस टेस्ट क्योंकि बहुत कम एस्पायरेंट ने इसे अटैम्प्ट किया है. ठीक है, अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होती तो रैंक ऐसी नहीं होती बिकॉज मॉर्निंग में मेरी रैंक थी 81, तो 10 रैंक मेरी इंक्रीज हुई. दैट मीन्स कि काफ़ी लोगों ने उसके बाद अटैम्प्ट किया है, दैट्स वाई. एंड सेक्शनल स्कोर्स देखते हैं. सेक्शनल स्कोर्स तो सबसे गंदे हैं मेरे. इंग्लिश में मैंने 9.25 स्कोर किया है, कॉन्ट में 11.25 एंड रीजनिंग 34 अटैम्प्ट किए थे, सॉरी 34 करेक्ट हुए हैं, दैट्स वाई 33.75 मेरे मार्क्स हैं. सो रीजनिंग वॉज वेरी इजी. ठीक है, रीजनिंग बहुत इजी लगा मुझे. एंड इंग्लिश हमारी कॉन्ट जो थी वो थोड़ा मॉडरेट लेवल की, डिफिकल्ट लेवल आप बोल सकते हो, लेकिन रीजनिंग बहुत इजी थी. तो मैंने इंग्लिश में काफ़ी मिस्टेक्स भी की हैं. ठीक है, बाद में मैंने चीज़ें देखी क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस भी मिसरीड कर लिए. लाइक आरसी में मैंने जो आरसी काफ़ी हमारा वो भी था, कॉम्प्रिहेंसिव था, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस था कि आप कैसे अंडरस्टैंड करते हो पैसेज को, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस थे वो इन्फ्रेंस बेस्ड थे काफ़ी. तो वो चीज़ मतलब क्वेश्चन का जो पैटर्न थे काफ़ी अच्छे थे. ठीक है, बस उसमें थोड़ी सी गलती हुई, आरसी में गलती हुई. एंड जो नया क्वेश्चन था, जो आरबीआई में क्वेश्चन आए थे जिस तरीके के आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस बेस्ड, वो भी था. एंड यस, आरबीआई जो भी नई चीज़ें लेके आता है एसबीआई उसी को फॉलो करता है, तो उसी के बेस पे एसबीआई पीओ के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो उसी पर दिया था. तो ईडियम्स एंड बेस फ्रेजेस जो नहीं था, एक्ट अपॉन, एक्ट अप ऐसे करके थे, बीट अप एंड बीट डाउन, तो वो वाले क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं मेरे. तो इस वजह से इंग्लिश की एक्यूरेसी बहुत ख़राब हो गई है. ठीक है, एंड कुछ क्वेश्चन मैंने मिसरीड भी कर लिए इस वजह से. अदरवाइज 9 to 9 तो नहीं, बट यस 12 to 15 के अप्रॉक्स मार्क्स हो जाते. बट यस, मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बहुत गंदे मार्क्स आए हैं मेरे. तो बस दैट्स ऑल अबाउट द स्कोर कार्ड ऑफ मेगा मॉक चैलेंज ऑफ एसबीआई पीयू प्रीलिम्स. आप लोगों ने अगर अटेम्प्ट किया हो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा, एंड जिसके जैसे भी स्कोर रहे हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा. क्योंकि मैंने तो काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट किया था 83, तो बट स्कोर उसके यहाँ पे बहुत गंदा आया है. ठीक है, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था. तो एंड सेकेंड टेस्ट था ऑलिव बोर्ड का था, आरआरबी पीओ का लाइव टेस्ट. तो उसमें मुझे मिले 54.75 मार्क्स. एंड यस, रीजनिंग में 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं एंड कॉन्ट में 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं. एंड नॉर्मलाइज जो स्कोर है सो दैट्स अनदर थिंग, तो उसकी बात नहीं करते हैं. बट यस, परसेंटाइल इज़ 97.9%, सो दैट इज़ गुड. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज स्कोर कार्ड एवरीवन. यस, मैंने अड्डा का भी एक मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया था एंड एक और टेस्ट मैंने अटैम्प्ट किया था, आई थिंक ऑलिव बोर्ड का ही था या फिर प्रैक्टिस मॉक का था. तो मैंने 4 टेस्ट दिए थे आज, बिकॉज आज संडे था, तो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की, मॉक टेस्ट भी दिए एंड एनालिसिस की उसकी. तो दैट्स ऑल अबाउट एवरीवन, थैंक यू एवरीवन. और हाँ, आपके भी जो भी मार्क्स हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने शेयर भी किया है इनके जिनके मार्क्स आए, जिन्होंने नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ठीक है, थैंक यू.